हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के क्लास में हम लोग इवेपोरेशन को देखेंगे, ठीक है। आज के क्लास में हम लोग क्या देखेंगे मेरे दोस्त, इवेपोरेशन को देखेंगे। इवेपोरेशन क्या होता है? प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इंटर कन्वर्जन देखा था, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है अच्छी तरह से समझे थे। अब बॉइलिंग पॉइंट के बाद हम लोग इवेपोरेशन को समझेंगे क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट में हम लोगों ने देखा था इस प्रकार का, अपना कोई सॉलिड कंटेनर था, ठीक है। इसमें लिक्विड भरा हुआ था। इसमें क्या भरा हुआ था मेरे दोस्त? लिक्विड भरा हुआ था। जैसे ही हम इसमें हीट दिए ना, हीट दिए तो इसके बल्क वाला जो मॉलिक्यूल्स था, उड़ उड़ के क्या बन गया? वेपर में कन्वर्ट हो गया था, ठीक है। ये बॉइलिंग पॉइंट था। अब हम लोग जो है, हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग देखेंगे इवेपोरेशन क्या होता है। इवेपोरेशन में समझेंगे, इवेपोरेशन जो होता है एक प्रकार का कूलिंग प्रोसेस है। इवेपोरेशन क्या होता है? एक प्रकार का कूलिंग प्रोसेस है, ठीक है। इवेपोरेशन कूलिंग प्रोसेस कैसे है, इसको हम लोग बहुत ही आसान भाषा में और अच्छा से समझने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए, अपना पास मान लीजिए एक कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर में लिक्विड पहले से ही रखा हुआ है, इस कंटेनर में लिक्विड पहले से ही रखा हुआ है। अब इस कंटेनर में जो इसके पास कुछ ना कुछ मात्रा में एनर्जी जरूर होगा, या एनर्जी देखिए इसके पास दो जगह से आया होगा। आराम से ध्यान दो, एनर्जी दो जगह से आया होगा। एक क्या, एक इसको इंटरनली एनर्जी मिल गया होगा कहीं से, इसका एक अपना एनर्जी, ठीक है, और एक एक्सटर्नल। एक्सटर्नल एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स सबको पता है क्या? सन। अब देखो मेरे दोस्त, क्या होगा ना, जब इसके ऊपर, इसके पास अपना मान लो एनर्जी भरपूर मात्रा में है, ठीक है, इसके पास क्या एनर्जी है। अब देखो ये अपना एनर्जी से क्या करेगा, अपना एनर्जी से ये जो फ्री सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स है ना, ये उड़ के चला जाएगा किस में? एटमोसफेयर में चला जाएगा। मतलब ये अपना एनर्जी लूज किया, ये अपना एनर्जी लूज किया। एनर्जी का ट्रांसफर होता है, हीट का ट्रांसफर होता है, कहाँ से? हाइयर सोर्स से लोअर सोर्स की ओर हीट का ट्रांसफर होता है। मान लो इसका, इस लिक्विड के पास जो हीट है ना, ये हीट जब एटमोस्फेरिक हीट के रिस्पेक्ट में कम हो जाएगा, तो यहाँ से हीट का ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। हीट का ट्रांसफर ये कैसे करता है, तो अपना अपर सरफेस पे जो लिक्विड का मॉलिक्यूल्स होता है ना, इसको एटमोस्फेयर में भेज देता है। एक लिक्विड को एटमोसफेयर में भेज दिया तो ये अपना हीट क्या कर दिया? गेन कर दिया। फिर इस लिक्विड को भी एटमोसफेयर में भेज दिया तो ये अपना हीट क्या किया? धीरे धीरे अपना हीट को त्याग रहा है। मतलब ये अपना हीट को त्यागेगा तो धीरे धीरे ये क्या होता जाएगा मेरे दोस्त? कूल होता जाएगा, ठंडा होता जाएगा। मान लो इसके पास 100 किलो कैलोरी का हीट एनर्जी है, 100 किलो कैलोरी का हीट एनर्जी है, ठीक है। तो ये अपना हीट को जब ये एटमोसफेयर में त्याग करेगा ये वाटर मॉलिक्यूल्स के द्वारा, ठीक है, तो इसका हीट एनर्जी क्या होता जाएगा? धीरे धीरे कम होता जाएगा। 90, 80, 70 इस प्रकार कम होते जाएगा। इस प्रकार हीट क्या हो रहा है इस लिक्विड का? कम हो रहा है। कहने का मतलब मेरे दोस्त, इसका टेम्परेचर भी कम हो रहा है, और जिसका टेम्परेचर कम होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ये ठंडा हो रहा है। डैट मीन्स इवेपोरेशन एक प्रकार का कूलिंग प्रोसेस है। क्यों कूलिंग प्रोसेस है? क्योंकि इसमें अपना एनर्जी को, हीट एनर्जी को त्याग करता है, ठीक है। इवेपोरेशन एक प्रकार का कूलिंग प्रोसेस होता है। द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ लिक्विड टू वेपर फ्रॉम फ्री सरफेस एट एनी टेम्परेचर। देखो, द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ लिक्विड टू वेपर फ्रॉम फ्री सरफेस एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। और ये बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, और इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, लेकिन कंडीशन है कि टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए, तब जाके वो क्या कहलाएगा? इवेपोरेशन कहलाएगा। अब क्या क्वेश्चन आता है कि सर आप जो भी बोल रहे थे कि ये लिक्विड ये एटमोसफेयर में चला जाएगा वेपर बन के, कैसे जाएगा? जब इस लिक्विड को 585 किलो कैलोरी का एनर्जी मिलेगा, 1 ग्राम लिक्विड को जब 585 किलो कैलोरी का हीट एनर्जी मिलेगा ना, तो वो अपना फेज चेंज कर लेगा। कौन सा फेज चेंज करेगा? तो अपना फ्री सरफेस पे जो लिक्विड रहता है ना, हमेशा वही चेंज करता है। बॉयलिंग बल्क में होता है, ये बीच में से बॉयलिंग शुरू होता है, और इवोपरेशन हमेशा फ्री सरफेस पे स्टार्ट होता है। इवोपरेशन एक प्रकार का कूलिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। लेटेंट हीट वाटर का कितना? 585 किलो कैलोरी पर ग्राम। अब यदि हम लोग देखो इनर्जी सोर्स की बात करें, तो ये इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। और इवोपरेशन को इफेक्ट कौन कौन
कर सकता है, टेम्परेचर अफेक्ट करेगा, प्रेशर करेगा, सरफेस एरिया करेगा और ह्यूमिडिटी करेगा। इसको हम लोग जो है और डीपली में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि इवेपोरेशन को अफेक्ट कौन कौन फैक्टर करता है और कैसे करता है। इवेपोरेशन को और अच्छा से समझना है तो एक बार और देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। कंटेनर में अपना क्या रखा हुआ है, लिक्विड रखा हुआ है, ठीक है। इस लिक्विड के जो फ्री सरफेस पे जो है ना, ये फ्री सरफेस यहाँ से, ठीक है, देखो ये फ्री सरफेस पे ये लिक्विड में जो अपना टेम्परेचर होगा, ये दो प्रकार हो सकता है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। मान लीजिए सूर्य से ऊर्जा पाकर ये लिक्विड गर्म हो गया, सन एनर्जी पाके ये लिक्विड क्या हो गया, हीट हो गया है। जब हीट हो जाएगा ना, तो 1 ग्राम लिक्विड को जैसे ही 585 किलो कैलोरी का हीट एनर्जी मिलेगा, तो वो अपना फेज चेंज कर लेगा, लिक्विड से क्या बन जाएगा, वेपर, ये एटमोसफेयर में चला जाएगा। 585 किलो कैलोरी ये क्या कर देगा, 1 ग्राम अपना एनर्जी को त्याग कर देगा। जैसे एनर्जी को त्याग करेगा तो ये धीरे धीरे क्या होते जाएगा, ठंडा होते जाएगा। नहीं तो इवेपोरेशन एक प्रकार का कूलिंग प्रोसेस है, इसके द्वारा लिक्विड हमारा हमेशा ठंडा होते रहता है, ठीक है। और इस इवेपोरेशन के द्वारा भी लिक्विड वेपर में ही कन्वर्ट होता है, लेकिन इसमें जो टेम्परेचर रहता है ये बॉइलिंग पॉइंट के नीचे रहता है, और ये किसी टेम्परेचर पे ये हो सकता है। अफेक्टिंग फैक्टर क्या है, टेम्परेचर है। अब टेम्परेचर कैसे है तो आप लोग समझ ही गए होंगे, पूरा टेम्परेचर का ही खेल है। प्रेशर कैसे है, मान लीजिए प्रेशर यदि हम लोग यहाँ पे एटमोस्फेरिक प्रेशर जो लगाते रहता है, प्रीवियस क्लास में इसको हम लोग अच्छा से समझे थे, ये एटमोस्फेरिक प्रेशर यदि ज़्यादा मात्रा में लगाएगा तो इसको फेज चेंज करने के लिए ज़्यादा हीट एनर्जी की जरूरी पड़ेगी, यदि एटमोस्फेरिक प्रेशर कम है तो कम ये जरूरी पड़ेगी, यदि नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर है तो 585 किलो कैलोरी पे फेज चेंज कर लेगा सरफेस एरिया। अब इस लिक्विड का सरफेस एरिया जितना ज़्यादा रहेगा उतना टाइम लगाएगा ये वेपर में कन्वर्ट होने में। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी समझते हैं कि ह्यूमिडिटी किस प्रकार इवेपोरेशन को अफेक्ट करता है, ठीक है। ह्यूमिडिटी कहने का मतलब है कि एयर में जो प्रेजेंट रहता है ना, एयर में वाटर का मॉलिक्यूल्स कितना मात्रा में प्रेजेंट है। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि एयर में कितना मात्रा में वाटर का मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, इसे हम लोग ह्यूमिडिटी कहते हैं। यहाँ पे अपना क्या है मेरे दोस्त, ये पूरा एयर है, ये पूरा एयर है, ये एयर, इस एयर में मान लीजिए वाटर है ही नहीं, ये एयर में क्या है, वाटर नहीं है, तो यहाँ से जो ये देगा ना इसको लेके, पूरा का पूरा ये एब्जॉर्ब करते जाएगा, पूरा पूरा क्या करते जाएगा, एब्जॉर्ब करते जाएगा। यदि इस एयर में पहले से ही बहुत ज़्यादा मात्रा में वाटर रहेगा तो यहाँ पे जो है ना इवेपोरेशन बहुत ही कम होगा, क्यों, क्योंकि भैया ये लेना लेने वाला तैयार ही नहीं है, ये वाटर का मॉलिक्यूल्स ले कौन रहा है, एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेजेंट है वो एयर ही ले रहा है ना। यदि एयर में पहले से ही वाटर का मात्रा प्रेजेंट रहेगा तो वो नहीं लेगा, ठीक है, वो अपना जो है वाटर का मॉलिक्यूल्स अपने अंदर नहीं लेगा। यही कारण है कि ठंडी के मौसम में जो है ना कपड़ा बहुत लेट से सूखता है, क्यों, क्योंकि फ्री सरफेस पे जो वाटर का मॉलिक्यूल्स है वो नहीं जा पाता है, किसमें, एयर में, क्यों नहीं जा पाता है, क्योंकि उस टाइम जो एयर रहता है ना उसमें ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा रहता है, गर्मी में जो है एयर में ह्यूमिडिटी कम रहता है, इसलिए ये ज़्यादा वेपोरेशन का क्रिया होता है, किसमें, गर्मी के मौसम में। आई होप आपको बेटर समझ में आया होगा, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि एयर में कितना मात्रा में वाटर प्रेजेंट है, यदि ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है तो इवेपोरेशन स्लो होगा, यदि कम मात्रा में प्रेजेंट है तो इवेपोरेशन फास्ट होगा, क्यों, क्योंकि ये बॉयल होकर ये लिक्विड का फेज कहाँ जाता है, वाटर में ही तो जाता है। ये ह्यूमिडिटी हो गया, सरफेस एरिया हो गया, प्रेशर हो गया और ये टेम्परेचर हो गया। आई होप आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी इवेपोरेशन का। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्या है। चलिए थैंक यू, आज की क्लास में इतना ही।